विस्फोट एक दिन में 101 नए मामले आए सामने बोले नीलता से भी अधिक संक्रामक दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में हुआ सुधार बहुत खराब से खराब स्थिति में एक यू आई आज लोकसभा में पेश होगा सीबीआई ईडी के डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाने वाला बिल आज मथुरा में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को करेंगे संबोधित प्रियंका गांधी आज जारी करेंगी महिलाओं के लिए घोषणा पत्र आईएम टीवी में आपका स्वागत है मैं हूं आपके साथ शिखा मेरोत्रा शुरुआत करते हैं खबरों की फरोखाबाद के महानगंज गांव जरारी में एम ए आई एम जिला अध्यक्ष ने एक जनसभा की थी जिसमें प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली और महासचिव पूर्व विधायक वारस पठान पहुंचे थे इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कोरोना काल में गंगा में लाशे उतारने का जिक्र करके योगी सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया जनसभा का एक वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है जिसमें जिलाध्यक्ष हासी अकरम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते दिख रहे हैं जिसकी जानकारी पर एसओ देवेश कुमार पाल मौके पर गए और जिलाध्यक्ष को थाने में बंद कर दिया जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष और महासचिव भीड़ के साथ थाने में पहुंचे इसके बाद कार्यकर्ता पुलिस थाने में घुस जिलाध्यक्ष को छुड़ा ले गए और इस खबर पर हमारे संसद बातचीत के लिए संवाददाता सुंदरम जुड़ चुके हैं फरुखाबाद से सुंदरम क्या कुछ देखने को मिला था रैली के दौरान मैम रैली जहानगंज थाना क्षेत्र के ग्राम जरारी में आयोजित की गई थी जिसमें एमआईएम के के प्रदेश 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 अध्यक्ष सहित महासचिव सभी जो पदाधिकारी पहुंचे थे तो वहीं पर उसके बाद पुलिस को किसी ने सूचना दी यहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं जिसके अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है तो पुलिस वहां पहुंचती है और जिला अध्यक्ष को गिरफ्तार करके थाने ले जाती है जब इस घटनाक्रम की जानकारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व प्रदेश महासचिव को लगती है तो अपने समर्थकों के साथ थाने में जाते हैं और प्रदेश अध्यक्ष बाहर रहते हैं और उनके समर्थक अंदर घुस जाते हैं पुलिस प्रशासन के मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं और वहां से छुड़ा के लिए जाते हैं जिला अध्यक्ष को जी किस तरह के नारे लगाए गए थे रैली के दौरान रैली में जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी लेकिन अभी कोई आधिकारिक पुष्ट अभी तक इसकी नहीं हो पाई है जी बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए इस खबर आरोप हमारे संवाददाता सुंदरम जुड़े थे फरुखाबाद से चुनावी मौसम में जहां सभी पार्टियां जोड़ तोड़ में लगी हुई हैं, वहीं बीजेपी उत्तर प्रदेश में तमाम नेता और उनके समर्थकों को भाजपा की सदस्यता दिलवाई गई, जिसे लक्ष्मीकांत वाजपेयी और प्रदेश अध्यक्ष दयाशंकर सिंह की अध्यक्षता में बदायू से राम सेवक पटेल और बस्ती से राणा किंकर सिंह को सदस्यता दिलाई गई वही तमाम दलों के नेताओं ने मिस कॉल के माध्यम से भाजपा ज्वाइन की तो ये खबर सामने आ रही है जब भाजपा सदस्यता अभियान चला रही है इसका असर भी देखने को मिल रहा है जहां कई नेताओं ने मिस कॉल के माध्यम से भाजपा ज्वाइन करी है वही कई बड़े नेताओं ने सदस्यता भी ली है चुनावी मौसम है जहां गठबंधन का दौर भी चल रहा है और दल बदल का दौर भी चल रहा है वही सभी पार्टियां जोड़ तोड़ में लगी हुई है बीजेपी उत्तर प्रदेश में तमाम नेताओं के समर्थकों को भाजपा की सदस्यता दिलवाई जा रही है जिसे लक्ष्मीकांत वाजपेयी और प्रदेश अध्यक्ष दया शंकर सिंह की अध्यक्षता में बदायूं से राम सेवक पटेल और बस्ती से राणा किंकर सिंह को भी सदस्यता दिलाई गई और तमाम दलों के नेताओं ने मिस कॉल के माध्यम से भी भाजपा ज्वाइन करी है तो हजारों समर्थकों ने भाजपा का दामन थामा है जहां बाकी दल गठबंधन का सहारा ले रहे हैं तो वहीं भाजपा भी सदस्यता अभियान चला रही है और इसका असर भी देखने को मिल रहा है मिस कॉल के माध्यम से भी कई नेता भाजपा से जुड़ रहे हैं कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं और साथ ही सभी को शपथ भी दिलाई जा रही है छह दिसंबर को जिला प्रशासन की मुस्तैदी के चलते शाही ईदगाह पर हिंदुवादी संगठन जलाभिषेक नहीं कर सके लेकिन अब एक बार फिर अखिल भारत हिंदू महासभा ने जलाभिषेक और आरती करने का ऐलान किया है अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष के अनुसार वो ये कार्यक्रम अब श्री कृष्ण जन्म स्थान पर करना चाहती है अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सुभाष चंद्र बोस की परपोती राजश्री चौधरी ने डीएम को भेजे मेल में 10 दिसंबर को 10 मिनट के लिए कार्यक्रम करने की अनुमति देने की मांग की है तो जलाभिषेक और आरती करने की मांग की गई है उससे पहले भी इस तरह की बात कही गई थी कि जलाभिषेक और आरती करी जाएगी जिसके बाद से मथुरा में धारा एक लागू कर दी गई शक्ति बढ़ा दी गई ताकि शांति व्यवस्था को बनाया रखा जाए लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए ये काम संभव नहीं हो पाए नहीं ही जलाभिषेक हुए न आरती कर पाए संगठन और अब एक बार फिर अनुमति मांगी गई है और कहा गया है कि अनुमति दे ताकि 10 मिनट में 10 मिनट के लिए अनुमति मांगी गई है 6 दिसंबर को जिला जिला प्रशासन की मुस्तैदी के चलते शाही ईदगाह पर हिंदू संगठन जलाभिषेक नहीं कर पाया इससे पहले छह दिसंबर को यह कार्यक्रम होना था लेकिन अब एक बार फिर अखिल भारत हिंदू महासभा के जलाभिषेक और आरती करने का ऐलान कर दिया गया है जिसके लिए उन्होंने अनुमति भी मांगी है हरदोई के घरौली गांव में गांव हनुमान मंदिर के पुजारी के बेटे ने स्थानीय कोतवाली में प्रार्थना पत्र देते हुए कहा कि उनके स्वर्गीय भाई ने बेनीगंज में संडीला प्राप्त नगर सड़क मार्ग पर हिंदुस्तान पेट्रोल पंप के पास खाली पड़ी जमीन को हनुमान मंदिर निर्माण के लिए दिया था जिस जमीन को अब उस मंदिर का पुजारी अशोक कुमार और मंदिर के प्रबंधक पुजारी की बहन ने उस जमीन पर जबरन कब्जा करते हुए विवाद किया जिस पर पुलिस ने सहमत से सुलह समझौता करवाया है और मंदिर की जमीन पर मंदिर का ही निर्माण होगा इसके बावजूद मंदिर प्रबंधक जमीन को बेचने की कोशिश कर रहे हैं मामले पर मंदिर पुजारी अशोक कुमार ने आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे मंदिर में घुसने नहीं दिया जा रहा है हनुमान जी की स्थापित मूर्ति के चबूतरे को लोहे की रॉड्स से तोड़ दिया और मूर्ति को क्षतिग्रस्त करके एक कोने में रख दिया गया है इस मामले में कस्बा इंचार्ज सत्यप्रकाश मिश्रा ने बताया मामला संज्ञान में है दोनों पक्षों को बुलाकर मामले की हकीकत परखते हुए आगे मथुरा में भारत की 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर विजय हुई थी उसी क्रम में भारतीय सेना ने विजय दिवस के उपलक्ष्य में स्वर्णिम विजय चार मशालों को भारत के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में भेजा गया है आज स्वर्णिम विजय मशाल के मथुरा रिफाइनरी नगर स्टेडियम में पहुंचने पर मथुरा रिफाइनरी के कार्यकारी निर्देशक और रिफाइनरी प्रमुख आशीष कुमार माइती ने भव्य स्वागत कर सेना के शहीद हुए जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की इस समारोह के दौरान एनसीसी कैंडिडेट और डीपीएस मथुरा के बच्चों के तरफ से देशभक्ति पर सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हुए का आयोजन किया गया बता दें राष्ट्रीय युद्ध स्मारक दिल्ली में स्वर्णिम विजय वर्ष का समापन समारोह आयोजित किया जाएगा संभल के थाना असमोली के गांव हैदरपुर हाजीपुर में कब्रिस्तान है जबकि गांव के ही लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे कि उनके कब्रिस्तानों की जमीन पर अवैध तरह से कब्जा किया जा रहा है जब गांव के लोगों से बातचीत की गई तो गांव के लोगों ने बताया कि ये जमीन कब्रिस्तान की है जो पिछले कई सालों से खाली पड़ी हुई है जिसके बाद ग्रामीण भड़क उठे और लेखपाल सुरेंद्र कुमार से बात की लेकिन लेखपाल गाँव में आने के लिए तैयार नहीं है ग्रामीणों का कहना है कि लेखपाल हमारे कब्रिस्तानों की जमीन की पैमाइश कर दे

ऑफिस की एफडी ले गए कि वो यहां पर वो पर सुरक्षित नहीं है जावित्री देवी के सामान वापस मांगने पर उन्होंने सभी चीजें देने से इनकार कर दिया जिसके बाद पीड़िता ने तीन बार मुख्यमंत्री सहायता केंद्र लखनऊ और पुलिस को शिकायत भी दी लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई अलीगढ़ में तेज रफ्तार के कहर ने दो लोगों की जिंदगी ले ली है बाइक सवार लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं तेज गति से आ रहे ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई मौत की सूचना मिलते ही घर में चीख पुकार की आवाजें आने लगी परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है और शोक को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है जानकारी के अनुसार ट्रक ड्राइवर भी पुलिस की हिरासत में है किस्से का हादसा हुआ कहाँ से आ रहे थे हम शहजादपुर से आए आ रहे थे और छेरत के लिए जा रहे थे ये जो मेरी साली और मेरी नात मेरी लड़का की लड़की है ये दो खत्म हो गए और हम दो बच गए किस तरीके खत्म हुई मतलब पीछे से दई थी उसने किस चीज़ से लिए? ट्रक ट्रक से तो किस जगह पर हुआ ये पुल से आगे गए तो ये बरोड़ा पुल का हाँ ये पुल से उतरती आ गए यहाँ पर जो एजेंसी है हाँ। किसने का हादसा हुआ कहाँ से आ रहे थे हम शहजादपुर से आए आ रहे थे और छिरत के लिए जा रहे थे इस बुलेटिन में फिलहाल ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी